Let us solve 37th problem. How many ml of KMnO4 solution containing KMnO4 solution की strength दे रखी है, containing 158 grams per liter must be used. इसका कितना ml यूज करना है हमें? 1 gram per liter must be used for complete conversion of 75 grams of Ki to iodine by this reaction. अब एक reaction भी दे रखी है, वह रिएक्शन भी मैं लिखता हूं इस समय. ट्वाइस KMnO4 कंप्लीट और बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है. ट्वाइस KMnO4 प्लस 10 Ki प्लस 8 H2SO4 गिव्स यू 5I2 प्लस 6 K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 प्लस 8 H2O. Now, as I had told you, while studying this chapter, while learning the concept and fundamentals of this chapter, you will come across number of organic and inorganic reactions, number of organic and inorganic compounds, and number of organic and inorganic ores and their extractions and their principles. और हम देख ही रहे हैं. पिछले प्रॉब्लम में हमने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एक कंपाउंड देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसका यूज देखा, उसका उपयोग देखा. फ्लोराइड प्लांट पर हमने प्रॉब्लम आज ही करा और अब ये एक नया रिएक्शन दिख रही है हमें. इसमें हमें रिएजेंट दिख रहे हैं, उनसे इन्वॉल्व रिएक्शंस दिख रही है. मैं यह नहीं कहता कि इन्हें यहां पर रटने की आवश्यकता है. मैं नहीं कहता कि इस रिएक्शन को जो आप देख रहे हो तो आप रटो. मैं सिंपल सी बात कहता हूं, इस रिएक्शन को देखो, बड़े ध्यान से देख लो, इसका दिमाग में एक पिक्चर बना लो. जब आप इस पर प्रॉब्लम करोगे तो इस रिएक्शन को ना कोई रटने की आवश्यकता है, मगर अभी जो आपने रिएक्शन देखी है, इसका जो एक दिमाग में पिक्चर बनाया है, यह पिक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे. वहां पर फिर वो पोर्शन केमिस्ट्री का बहुत इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा. इनफैक्ट कई सारी रिएक्शंस तो बार बार देखने से इधर याद ही हो जाएंगी. और एग्जामिनेशन का 50-60% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आप बिना पढ़े ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपने वो सारे कंसेप्ट इधर देख रखे. देखिए, KMnO4 Ki से रिएक्ट करता है, उसको आयोडीन में कन्वर्ट करता है. एटलीस्ट ये हमें इधर पता लग रहा है कि वेन एवर KMnO4 कम इन कॉन्टेक्ट विद Ki, वो उससे रिएक्ट करेगा, उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा. अब कोई इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम, कोई इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जिसमें यह कंसेप्ट आ रहा है, तो एटलीस्ट आपने यह प्रॉब्लम कर रखा है, इसलिए आप उसमें एक जनरल सेंस, एक जनरल आइडिया डेवलप कर सकते हो. और बिना इनऑर्गेनिक पढ़े, फिजिकल के कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल पढ़ते समय आपको यह इंफॉर्मेशन तो मिली गई. एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे. हमसे पूछा है इफ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 158 ग्राम पर लीटर है, तो इसका कितना लीटर्स लिया जाए जिससे कि 76 ग्राम Ki से कंप्लीट रिएक्शन हो जाए. हम कहते हैं लेट्स टेक वी लीटर्स ऑफ KMnO4. V liters of KMnO4 used. Suppose V liters of KMnO4 used करा, तो V liters KMnO4 में कितना grams KMnO4 आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा. 158 into V. So 158 into V grams of KMnO4 used. 158 into V grams of KMnO4 used.
ये कैसे आया? 158 ग्राम पर लीटर है, इसलिए इसमें वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स आ जाएगा। अभी जो ग्राम्स आया है, ग्राम्स में तो डेटा किसी काम का नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मोल्स में। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 158 इंटू वी अपॉन इट्स मॉलिकुलर वेट। KMnO4 का मॉलिकुलर वेट हम डिटरमाइन करते हैं, 39 प्लस 59 प्लस 64, वो 158 ही होता है। 158 मॉलिकुलर वेट ऑफ KMnO4। KMnO4 का मॉलिकुलर वेट हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, 39 प्लस 59 और प्लस 4 इंटू 16, कुछ 158 ही आता है। Mn का एक बार चेक करना पड़ेगा, 158 ही आएगा। जो Mn का वेट है वह चेक कीजिए, 158 ही आ जाएगा। दिस इज द मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड, दिस इज द मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड। अब जरा देखिए, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ KI, सॉरी 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ 10 मोल्स ऑफ KI, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ 10 मोल्स ऑफ KI, सो 1 मोल ऑफ KMnO4 वुड रिएक्ट विथ 10 by 2, दैट इज 5 मोल्स ऑफ KI, 1 मोल ऑफ KMnO4 वुड रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ KI। बड़े ध्यान से देखिए, मोल कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, सिर्फ इधर उधर देख रहा हूं। KMnO4 का कोएफिशिएंट 2 है, KI का कोएफिशिएंट 10 है, इसका मतलब 2 मोल KMnO4 के 10 मोल KI से रिएक्ट करते हैं। 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ KI, 1 मोल ऑफ KMnO4 मस्ट रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ KI, सो दिस मच मोल्स ऑफ KMnO4 वुड रिएक्ट विद 5 इंटू 158 वी बाय 158 मोल्स ऑफ KI, इतने मोल्स KI से रिएक्ट करेंगे, इंटू 5 कर दिया। अब ग्राम्स ऑफ KI लिख सकता हूं मैं, ग्राम्स ऑफ KI के लिए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, 5 इंटू 158 वी बाय 158 इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। आयोडीन का 127 होता है, आयोडीन का 127 और पोटेशियम का 39, तो 127 प्लस 39 KI के लिए 39 प्लस 127 166, आई होप मैं सही कर रहा हूं, 166, सो दिस इंटू 166 ग्राम्स ऑफ KI, दिस मच ग्राम्स ऑफ KI वुड बी यूज्ड। Now, this much grams of KI must be equal to 76, क्योंकि 76 grams KI हम यूज कर रहे हैं, तो 5 into 158 V by 158 into 166 is equal to 76। अब हम सॉल्व कर देंगे, दिस वुड गिव मी वॉल्यूम इन लीटर्स, सो वॉल्यूम इन लीटर्स वुड बी 76 अपॉन 5 into 166, this much liters of KMnO4 would be used in order to react with 76 grams of KI। इन problems को मोल कंसेप्ट लगा के इन problems को करने के कई तरीके होते हैं, मैं तो अलग अलग तरीके बता रहा हूँ सोचने के, यह भी एक सोचने का तरीका हो सकता है जिसमें हमने पहले से ही V liters of KMnO4 ले लिया, V liters of KMnO4 से हमने grams of KMnO4 निकाला, grams of KMnO4 से हमने moles of KMnO4 निकाला, moles of KMnO4 निकालने के बाद हमने मोल कंसेप्ट लगाते हुए यह सोच लिया कि यह कितने मोल्स KI से रिएक्ट करेगा, तो यह कितने ग्राम्स KI से रिएक्ट करेगा, और ग्राम्स ऑफ KI को अवेलेबल ग्राम्स ऑफ KI से इक्वेट कर दिया, तो अपने आप हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन लीटर्स आ गया। बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए और 40th प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस 40th प्रॉब्लम।
on heating 4.90 grams of KClO3. On heating 4.90 grams of KClO3, the weight loss is 0.384 grams. What is original KClO3 has been decomposed and how many grams of KClO3 must be decomposed to give you 0.96 grams of oxygen. पहले तो हम यह समझें कि KClO3 को हीट करने पर डीकम्पोजिशन कैसे होता है और हमें क्या मिलता है. एरो के ऊपर डेल्टा साइन लगाया, इसका मतलब इसको विग्रस तरीके से हीट करा जा रहा है. इसे हीट करने पर डीकम्पोजिशन होकर KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. यह ऑक्सीजन गैस उड़ती है और इस वजह से वेट लॉस होता है. KClO3 में से ऑक्सीजन जितनी है वो उड़ जाती है, KCl बचा रह जाता है, इसलिए वेट लॉस हो गया. तो देखिए, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड दैट इज 0.8384 ग्राम्स. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज आ जाएगा इससे. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड दैट वुड बी 0.384 अपॉन 32 मोल्स. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो इतने मोल्स ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. अब जरा सोचिए, 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स यू 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कहें 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय 1 मोल्स ऑफ KClO3. सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड बाय 2/3 मोल्स ऑफ KClO3. इतने मोल्स ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्टेड, मोल्स ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड, कितने मोल्स KClO3 के डीकंपोज हुए होंगे. एक मोल ऑक्सीजन के लिए 2/3 मोल्स KClO3 के चाहिए, तो इतने मोल्स ऑक्सीजन के लिए 2/3 इंटू 0.384 बाय 32 इतने मोल्स KClO3 के डीकंपोज हुए होंगे. अब उनने पूछा है व्हाट ओरिजिनल KClO3 हैज बीन डीकंपोज्ड. दिस इज द मोल्स ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड. सो द वेट ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड, वहां हम लिख सकते हैं आंसर, वेट ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड वुड बी इक्वल टू, इधर मैं आंसर लिखूंगा, मोल्स ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड, ये हमने निकाल दिया है, दिस इज द मोल्स ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं. KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 39 + 35.5 + 48. यह इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 39, मैं इसको 40 कर देता हूं नियरली, 40 + 48 = 98, 98 + 35 = 133.5. This much grams of KClO3 is decomposed. What original KClO3 had been decomposed? दिया गया. How many grams of KClO3 must be decomposed to give you 0.96 grams of oxygen? कितने grams KClO3 decomposed करा जाए जिससे कि 0.96 grams of oxygen मिले. तो अब इसे मैं सीधा सीधा करते जाता हूं. 0.96 grams of oxygen is equivalent to 0.96 by 32
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन के लिए इतने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, इतने ग्राम ऑक्सीजन मतलब इतने मोल्स ऑक्सीजन। अब इतने मोल्स ऑक्सीजन के लिए कितने मोल्स KCLOC के, इक्वलेंट टू करके लिखता हूं, एक मोल इक्वलेंट टू 2/3 मोल, सो दिस मच मोल्स इज इक्वलेंट टू 2/3 इनटू 0.96/32 मोल्स ऑफ KCLOC। सो दिस इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCLO3, वो भी निकल जाएगा 2/3 इंटू 0.96/32 इंटू इट्स मॉलिक्युलर वेट, दैट इज रफली 133.5 ग्राम्स ऑफ KCLO3। एक बात ध्यान रहे, मैं इधर सिर्फ एक्सप्रेशंस लिख लिख कर छोड़ दे रहा हूं, इन्हें सॉल्व करके कैलकुलेट करके पीछे से आंसर चेक करना ये आपका काम है। सो फाइनली 0.96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यदि हमें चाहिए तो उसके लिए इतने ग्राम्स KCLO3 का डिकम्पोज होना जरूरी है, इतने ग्राम्स KCLO3 यदि डिकम्पोज होएगा तो 0.96 ग्राम्स हमें ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को देखो, इस बात को देखो कि KCLO3 पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करा जाए तो KCl मिल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। रिएक्शन को देखो, वैलेंस रिएक्शन को देखो, ये सारे जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक कंसेप्ट हैं, इन सबको दिमाग में बैठाओ, इनका एक पिक्चर बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मोल कंसेप्ट लगा के एक्सप्रेशन जो लिखे हैं इनको कैलकुलेट करके आंसर लाके पीछे से देख कर वेरीफाई जरूर करना। और 1/3 प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, एवरी 3rd प्रॉब्लम इज बींग सॉल्व बाई मी, रिमेनिंग 2/3 आपको करना जरूरी है। वो जब आप करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप भी स्वयं से यह सारी चीजें सोच पा रहे हो, कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, इक्वेशन सही से बना पा रहे हो, आंसर ला पा रहे हो। व्हाट यू विल सी, इनिशियली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हर बार आपकी गलती होगी, हर बार आप पहली बार में गलत ही आंसर लाओगे। आप जब 25-30 प्रॉब्लम कर चुके रहोगे तब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप पाओगे कि अब हम पहली ही बार में सही करते हैं, पहली ही बार में सही कैलकुलेशन करते हैं और सही आंसर लेकर आते हैं। पहले 10-15-20 प्रॉब्लम तक तो आप बार बार गलती करते रहोगे और आंसर देखकर अपनी गलती को सुधारोगे, और फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद में आपसे पहली बार में सब कुछ सही होने लगेगा। सॉल्यूशन को नोट डाउन करो और 43rd प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट करो। ये 43rd प्रॉब्लम करेंगे अब हम। जिंक मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक विच इज अ सॉलिड, इट रिएक्ट विथ HCl विच इज एक्वेस, and the reaction occurs in this manner, it gives ZnCl2 aqueous and hydrogen gas which would escape. If 0.30 moles of zinc is added to 0.52 moles of HCl, how many moles of hydrogen is produced? अब देखिए, now the simple problem over the concept of limiting reagent. इसमें हमसे पूछा गया है moles of hydrogen produced. हमें यह सोच रहा है कि जो hydrogen produce होंगे, जो product बनेगा उसे govern कौन करेगा, उसे limit कौन करेगा, उसे decide कौन करेगा, zinc करेगा HCl करेगा। अब आप देखिए, एक मोल जिंक के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो 0.3 मोल्स जिंक के लिए हमें 0.6 मोल्स HCl के चाहिए, बट
we have 0.52 moles of HCl available there. So available HCl is less than the required HCl if complete zinc reacted. फिर वापस समझिए मेरी बात को. एक मोल जिंक के लिए हमें दो मोल HCl चाहिए. वन मोल ऑफ जिंक वुड रिएक्ट विद टू मोल्स ऑफ HCl. सो 0.3 मोल्स ऑफ जिंक मस्ट रिएक्ट विद 0.6 मोल्स ऑफ HCl. सो इफ कंप्लीट जिंक वुड रिएक्ट वी वुड रिक्वायर 0.6 मोल्स ऑफ HCl. बट द अवेलेबल मोल्स ऑफ HCl इज 0.52 एंड इट्स लेस देन द रिक्वायर्ड मोल. इफ वी थिंक दैट, इफ वी अज्यूम दैट कंप्लीट जिंक वुड रिएक्ट, देन द रिक्वायर्ड मोल ऑफ HCl इज 0.6 विच इज ग्रेटर देन द अवेलेबल मोल. सो वी डोंट हैव सफिशियंट HCl. HCl available there is in limited amount. So HCl is a limiting reagent. First of all, HCl is limiting reagent. Means HCl is completely reacted. HCl would completely react. Or you will say HCl is available in limited amount. Available in limited amount. Or we will say HCl would limit the reaction. HCl would decide the extent of reaction. HCl ही यह decide करेगा कितनी reaction होगी. HCl would govern how many moles of hydrogen would be produced. हम कहेंगे zinc remain unreacted. अब जो हमसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हम आंसर लिख देते हैं. टू मोल्स ऑफ एच सी एल गिव यू वन मोल ऑफ हाइड्रोजन. सो वन मोल ऑफ एच सी एल वुड गिव यू 1/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो 0.52 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड गिव यू 0.52 moles of HCl would give you 1/2 into 0.52 moles of hydrogen. So moles of hydrogen produced would be 0.26 moles. This is the answer. इसके बाद यदि हमसे पूछा जाता what is weight of hydrogen produced? यदि पूछा जाता तो 0.26 इंटू 2 ग्राम्स. दिस इज द ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड. यदि हमसे पूछा जाता वेट ऑफ हाइड्रोजन तो हम ऐसे लिखते. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP पूछा जाता तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 22.4 लीटर्स एट NTP. इंटू 22.4 लीटर्स एट NTP कर देते. अब यदि हमसे पूछा जाता कितना जिंक बचा रह गया तो जिंक अनरिएक्टेड जिंक हम ऐसे लिखेंगे unreacted zinc. अब देखिए दो मोल से इसका एक मोल रिएक्ट होना है तो 0.52 मोल से 0.26 मोल से रिएक्ट होना है. तो 0.3 मोल्स हमारे पास है. 0.3 माइनस 0.26 दिस इज अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ जिंक दैट इज 0.04 मोल्स. इतने जिंक के अनरिएक्टेड मोल्स रह जाएंगे. इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, रिएक्शन के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं. हम यह भी समझ सकते हैं कितना जिंक बचा रह गया, HCl पूरी तरह से रिएक्ट हो गया, कितना HCl बन गया, कितने ग्राम HCl के, कितने मोल्स HCl के, कितने लीटर्स HCl के. ZnCl2 के लिए हमने पूछा था कि कितने ZnCl2 के मोल्स बने हैं तो वो भी हम बता सकते थे. ZnCl2 के मोल्स उतने ही होंगे जितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं. ग्राम्स ऑफ ZnCl2 कितने बन रहे हैं वह भी बताया जा सकता है. इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. नोट डाउन कीजिए, 46th प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए.